पुलिसकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये मृत देह उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा और उनके अनुयायियों का कत्ले आम कराना चाहा था, क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है जिस पर वो विश्वास करते हैं। मॉरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि इस मृत देह के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई? और जबकि इस लाश के अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद भी नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनकी कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिखी गई है? इस शरीर की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मॉरिस या अन्य वैज्ञानिक जब पता ना लगा सके तो इसे ईश्वर के चमत्कार के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता था? बाइबिल के आधार पर भी मृत देह के मिलने की लोकेशन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 वर्ष की उम्र होने के कारण मॉरिस को ये विश्वास तो हो रहा था कि ये शरीर फिरौन का ही है। अतः डॉक्टर ने फिरौन के विषय में अधिक जानने के लिए तौरात शरीफ यानी कि बाइबिल ओल्ड टेस्टोमेंट का अध्ययन करने का निर्णय किया, लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा, लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक न था। मॉरिस के जहन में कई सवाल खटकते रहे और आखिरकार वो इन सवालों के जवाब हासिल करने सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन के मृत देह के परीक्षण में जो पाया वो बताया। उसी वक्त डॉक्टर मॉरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी कि इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। सूरह यूनुस आयत 92। इस आयत का डॉक्टर मॉरिस बुकाए पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया और इस पवित्र कुरान पर विश्वास कर लिया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल डॉक्टर मॉरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंसी चमत्कारों के विषय में ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। अगर आपको भी लगता है कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशा अल्लाह हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गैर मुस्लिम को कुरान और सुन्नत पर गौर और फिक्र करने की अल्लाह तौफीक दे दे और ये उनके लिए हिदायत और आपके लिए सवाबे जारिया बन जाए। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी ऐसे अनोखे वीडियोस के लिए देखते रहिए डार्क मिस्ट्री।